तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सट्रीम रूल्स 2021 की प्रेडिक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एक और है एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों एक्सट्रीम रूल्स 2021 के साथ साथ दिन की 3 से 4 बड़ी खबरें कवर करेंगे। वीडियो में शुरू में दोस्तों आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो किस चीज का इंतजार करें, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। इस बारी का एक्सट्रीम रूल्स दोस्तों काफी धांसू जाने वाला है, जिसके अंदर दोस्तों हमें बहुत सारे मैचेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। एक्सट्रीम रूल्स हम लोगों को देखने को मिलने वाला है दोस्तों 27 तारीख को सुबह सोनी नेटवर्क के चैनल के ऊपर, जहां सबसे पहला मैच है जो कि हाल फिलहाल में कंफर्म हुआ है वो होने जा रहा है ले मॉर्गन वर्सेस कार्मेला के मध्य। तो गाइस ये एक सिंगल्स कंपटीशन है महिलाओं का, जहां इस हफ्ते हमने स्मैकडाउन में देखा कि गाइस वहां ले मॉर्गन ने कार्मेला की नाक झाड़ दी और उन्हें चैलेंज भी कर दिया। मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने कंफर्म कर दिया है और ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों इस अपकमिंग पीपीवी में। जहां बात करूं इस मैच के रिजल्ट की, मेरे हिसाब से इसके अंदर ले मॉर्गन विजय प्राप्त करने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा मैच कार्ड में कन्फर्म्ड हुआ है वो है दोस्तों हमारी अपनी रॉ वुमन चैंपियनशिप का, अलेक्सा ब्लिस वर्सेस शार्लेट प्लेयर। तो गाइस अलेक्सा ब्लिस जो है शार्लेट प्लेयर को गुड़िया गिफ्ट की थी इस बीती रॉ में, जिसका नाम चार्ली बताया गया था, लेकिन शार्लेट प्लेयर ने उस गुड़िया को कचरे के ढेर में फेंक दिया। शार्लेट वर्सेस अलेक्सा होना है। शार्लेट दोस्तों मल्टी टाइम वुमन चैंपियन रही है, अलेक्सा की बात करूं उनके पास जादुई शक्तियां हैं। मैच बहुत मजेदार होगा, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों यहां कुछ ज्यादा खास नहीं होगा और शार्लेट प्लेयर जैसे तैसे इसके अंदर रिटेन कर लेगी। इसके बाद दोस्तों तीसरा मैच कार्ड में देखने को मिलेगा वो दोस्तों कंफर्म नहीं हुआ है और ये होने जा रहा दोस्तों अपोलो क्रूज वर्सेस शिंस्के नाकामुरा। इसके दोस्तों बनने के चांसेस 100% है, क्योंकि इस बार के स्मैकडाउन में जो अपोलो है शिंस्के लाला के ऊपर धावा बोले और उसके बाद दोस्तों उन्हें इस पीपीयू के लिए चैलेंज किए। हालांकि दोस्तों मैच अभी तक कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन जल्द ही कंफर्म हो जाएगा। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है देखने में और मेरे हिसाब से दोस्तों इसके अंदर जो शिंस्के नाकामुरा है वो आसानी से रिटेन करने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों इससे नेक्स्ट मैच ऊपर। तो इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलने वाला है वो दोस्तों 100% कन्फर्म्ड है और ये होने जा रहा है शेमस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट फॉर US चैंपियनशिप। तो गाइस शेमस ने ड्रू मैकइंटायर को हरा कर चालाकी से अपॉर्चुनिटी पा ली है, जहां दोस्तों वो फेस करने जा रहे हमारे करंट रेनिंग अनडिस्प्यूटेड US चैंपियन यानी कि डेमियन प्रीस्ट को। मैच दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है देखने में। मेरे हिसाब से दोस्तों इस मैच के अंदर कोई भी बड़ा उलटफेर नहीं होगा। डेमियन प्रीस्ट दोस्तों काफी अच्छे चैंपियन लग रहे हैं और इसके अंदर दोस्तों डेमियन प्रीस्ट आसानी से रिटेन कर भी लेंगे। चलते हैं दोस्तों इससे अगले मैच के ऊपर। तो भाई इसके बाद जो अगला मैच आप लोगों को देखने को मिलने वाला है वो भी दोस्तों अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन जल्द कन्फर्म हो जाएगा और ये होगा दोस्तों आरके ब्रो वर्सेस एजे स्टाइल्स एंड ओमोस, एक रीमैच। तो आरके ब्रो दोस्तों इन दोनों को हराकर चैंपियन बनी है, लेकिन दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि एजे स्टाइल्स एंड ओमोस की टीम कितनी पावरफुल है। हाल ही में दोस्तों इन दोनों ने अपनी टीम की पावरफुलनेस का प्रदर्शन भी किया था बीती रॉ में, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि एजे एंड ओमोस को एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आरके ब्रो दोस्तों अभी MVPN एलैशली के साथ इंडल्स था, लेकिन सिंस दोस्तों रैंडी ये बड़ी अपॉर्चुनिटी हार चुके हैं जो कि लास्ट वीक उन्हें मिली थी। यहां दोस्तों फिर से टैग टीम चैंपियनशिप के ऊपर फोकस करने वाले हैं रैंडी और ये मैच बनेगा मेरे हिसाब से इसके अंदर आरके ब्रो जो है आसानी से रिटेन कर लेगी। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलने वाला है वो 100% कन्फर्म्ड है और ये होने जा रहा है स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप्स का। तो गाइज इसी भी हाल फिलहाल में कंफर्म किया, जहां डब्ल्यू वालों ने बताया कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले जो है वो फेस करेंगे करंट चैंपियंस को यानी कि उसोस को। ये मैच दोस्तों स्मैकडाउन के एपिसोड में बन सकता था, लेकिन गाइज वहां हम सब लोगों ने देखा कि क्या कुछ हुआ, रोमन रेंस डल चुके। तो गाइज इस मैच को डब्ल्यू वालों ने सोचा कि स्मैकडाउन में ना रख के किसी पीपीवी में रखा जाए, ताकि दोस्तों वहां कम चांसेस हो रोमन रेंस के डल होने के। मैच की बात करते हैं, मैच दोस्तों देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे हिसाब से इसके अंदर जो उसोस है वो रिटेन करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त ब्लड लाइन का एरा चला हुआ है। तो यहां दोस्तों उसोस जो है हमारे अपने वो रिटेन करने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों इस अगले मैच के ऊपर। तो इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलने वाला है वो काफी ह्यूज है और दोस्तों कंफर्म भी वो होने जा रहा है दोस्तों, प्रियंका ब्लेयर वर्सेस बैकी लिंच। तो गाइस बात की जाए इनकी राइवलरी की, प्रियंका ब्लेयर जो है काफी अच्छी चैंपियन दिख रही थी, लेकिन समर स्लैम में दोस्तों बैकी आ दिया और ठग लाइफ दिखा दे उनकी चैंपियनशिप हत्या कर निकल जाती है, जिसके बाद दोस्तों प्रियंका उन्हें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देती है, लेकिन बैकी लिंच उनकी रिस्पेक्ट को नीचे दे मारती है, जमीन पर दे मारती है और दोस्तों हील में कन्वर्ट हो जाती है। मैच दोस्तों देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। जहां दोस्तों बात करूं इस मैच के रिजल्ट की, मेरे हिसाब से दोस्तों इसके अंदर बैकी लिंच
दंड भेद का प्रयोग करेगी और जैसे तैसे दोस्तों इस मैच के अंदर वो टाइटल रिटेन करने वाली। ये चीज भी हो सकती है कि इस मैच के अंदर दोस्तों बैकी लिंच जानबूझकर किसी वेपन का यूज करे, क्योंकि दोस्तों अभी तक इस मैच की कोई स्टिपुलेशन नहीं है। तो हाँ, ये हो सकता है कि इस मैच के अंदर कुछ ना कुछ गन डले और बैकी लिंच जैसे तैसे इसमें रिटेन कर जाए। चलते हैं दोस्तों अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि एक्सट्रीम रूल्स का रहने वाला है, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, वो है दोस्तों बिग ई वर्सेस बॉबी लैशली। तो गाइस बिग ई वर्सेस बॉबी लैशली होने जा रहा है। जहां दोस्तों बात करूं इस पर्टिकुलर मैच की, तो गाइस बताया जा रहा है कि जल्द हर्ट बिजनेस एक होने जा रही है। जहां दोस्तों इस मैच के अंदर हमें द न्यू डे के मेंबर कौन पर देखने को मिल सकते हैं बिग ई के, वहीं दोस्तों लैशली के कौन पर देखने को मिल सकते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर शेल्टन। मैच दोस्तों काफी ऑसम जाएगा, ये दोस्तों अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन 100% श्योरिटी है कि यही मैच बनेगा, क्योंकि दोस्तों बिग ई को ओपोनेंट की जरूरत है और लैशली हाल ही में टाइटल लूज किए हैं। तो गाइस ये मैच होगा और मेरे हिसाब से इसमें बिग ई आसानी से रिटेन कर जाएंगे। लेकिन आफ्टर दी मैच दोस्तों एक थिंग भी हो सकती है कि वहां दोस्तों जो बिल गोल्डबर्ग रिटर्न करे और बॉबी लैशली को स्पीयर रिसीव करे। गोल्डबर्ग ने कह रखा है कि अब उन्हें टाइटल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ लैशली का सर, तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। चलते हैं दोस्तों अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहने वाला है एक्सट्रीम रूल्स 2021 का, जो कि 100% कंफर्म है, वो है दोस्तों यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच, द डेमन किंग फिन बैलर वर्सेस द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। तो गाइस रोमन रेंस के सामने डीमन उतरेगा। डीमन दोस्तों एक ऐसा सुपरस्टार है जो कि इस वक्त करंट रोस्टर में अनडिफीटेड है। जब से मेन रोस्टर में डीमन किंग आया तब से वो अनडिफीटेड है। जहां दोस्तों मैच की बात करूं, फिन तो दोस्तों हार सकते हैं, लेकिन दोस्तों डीमन का हारना मुश्किल है। तो गाइस अभी इसे आसानी से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, बट मुझे क्या लगता है कि इस मैच के अंदर दोस्तों काफ़ी ह्यूज थिंग होगी, इसके अंदर ब्लड लाइन जो है इंडल्ज होगी। मैच की स्टिपुलेशन दोस्तों एक्सट्रीम रूल से रहने वाली है, जिसमें दोस्तों रोमन रेंस वेपन्स का यूज करते हुए हरा सकते हैं फिन बैलर को। तो डीमन किंग की दोस्तों मेरे हिसाब से पहली लॉस आएगी विया रोमन रेंस। ये है दोस्तों एक्सट्रीम रूल्स 2021 की प्रेडिक्शन। लेकिन वहीं बात की जाए दोस्तों एक्स्ट्रास की, तो एक्स्ट्रास दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग है। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर अटैक करेंगे दोस्तों रोमन रेंस के ऊपर उनके इस मैच के बाद। इसे हाल ही में दोस्तों स्मैकडाउन के अंदर भी टीज किया गया, जहां रोमन रेंस ने पॉल से पूछा बताओ एक्सट्रीम रूल्स में आएगा कि नहीं। पॉल ने कहा उन्हें नहीं पता, लेकिन रोमन रेंस ने श्योरिटी मांगी और श्योरिटी इस बात की है दोस्तों कि वहां ब्रॉक लेसनर की इन्वॉल्वमेंट रहेगी क्योंकि क्राउन जोल में इनका मैच होने जा रहा है। तो काफी मजा आएगा दोस्तों एक्सट्रीम रूल्स में, कितना एक्साइटेड है कमेंट करके अभी के अभी बताएगा। वहां गोल्डबर्ग एंड ब्रॉक के आने के चांसेस है। चलते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर, यानी कि आज की अपनी खबरों के ऊपर। तो गाइस सबसे पहली खबर जो आज की बार जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों एमवीपी से। तो गाइस एमवीपी जो है वो आउट हो चुके हैं मंडे नाइट रॉ से ही नहीं, वो लगभग एक दो हफ्ते तक गायब रहेंगे, जिसका रीजन है दोस्तों रैंडी ऑर्टन। इस बार की रॉ में दोस्तों रैंडी वर्सेस लैशली जो हुआ था, रैंडी ने आरकेओ मारा था एमवीपी को आउटसाइड, आपको याद होगा। उससे दोस्तों एमवीपी की रिब्स टूट चुकी है, उनकी पसलियां टूट चुकी है सीने की, जिसके तहत दोस्तों अब वो हमें कुछ समय तक मंडे नाइट रॉ का पार्ट होते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। तो इंजर्ड कर दिया दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने, इसलिए दोस्तों उन्हें कहा जाता है एपेक्स प्रेडेटर। बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज की। वह इससे अगली न्यूज जो आज के बारे जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक ऐसे मैच से जो कि जल्द आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा। तो गाइस इनसाइडर्स की माने तो ड्रू मैकइंटायर जो है वो ड्राफ्ट हो सकते हैं मंडे नाइट रॉ से सीधा सीधा स्मैकडाउन में, जिसका दोस्तों एक लीक हमारे सामने है। तस्वीर आप देख सकते हैं, रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर को टीज किया जा रहा है। मैच दोस्तों बताया जा रहा है कि 1 तारीख को देखने को मिलेगा, 1 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। 1 अक्टूबर को क्या स्मैकडाउन है, आम स्मैकडाउन नहीं है दोस्तों, ड्राफ्ट वाली स्मैकडाउन है। अगर दोस्तों ये मैच मेन कार्ड्स में रखा जाता है, अगर दोस्तों ये डार्क में नहीं होता है, यानी कि डार्क मैच नहीं होता है, तो गाइस साफ सी बात है कि ड्रू मैकइंटायर ड्राफ्ट होने वाले हैं मंडे नाइट रॉ से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, जो कि काफ़ी ह्यूज थिंग है। और अगर ऐसा होता है तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएगी हमारे ट्राइबल चीफ की। चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की बारी जुड़ी हुई है वह जुड़ी है दोस्तों 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। तो सीना डन इट अगेन दोस्तों, सीना ने फिर से कर दी है एक बड़ी खप। तो क्या खप की है सीना, दोस्तों तस्वीर डाल दिए अर्शद वारसी की। अर्शद वारसी दोस्तों
हाल ही में ट्रांसफॉर्म मशीन की अपनी काफी ज्यादा वेट लूज, काफी ज्यादा मसल गेन उन्होंने की, जिसकी तस्वीर दोस्तों सीना ने बिन बात के डाल दी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। लोग बोल रहे हैं कि क्या ये सीना के ही अकाउंट है या फिर किसी और का। वेल दोस्तों, सीना काफी बड़े ट्रोलर है और यहाँ दोस्तों उन्होंने अर्शद वारसी को डाल के कहीं ना कहीं मस्ती की है, मजाक किया है। हम चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की बार जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों पॉल हेमन से, जो कि दोस्तों ब्रॉक लेसनर को ह्यूज शाउट आउट दिए हैं। तो पॉल हेमन ने दोस्तों काफी बड़ा शाउट आउट दिया है, किसे दिया है दोस्तों? हमारे अपने ब्रॉक लेसनर को। हाल ही में दोस्तों उनकी तस्वीर डालते हुए चीज लिखे, देयर इज बीस्टली बारबेरियन स्टॉर्मिंग द गेट्स ऑन द आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी, यानी कि एक बीस्ट बारबेरियन आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी के गेट को खड़खड़ा रहा है, बार बार पटक रहा है। मतलब दोस्तों रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर को टीज किए हैं, लेकिन जिस तरीके से तस्वीर डाल दी, जिस तरीके से शाउट आउट दिए हैं ब्रॉक को, कहीं ना कहीं रोमन रेंस की शक की निगाहें और ज्यादा बढ़ेगी पॉल हेमन के ऊपर। आपको क्या लगता है पॉल हेमन किस ओर जाने वाले हैं, रोमन रेंस की ओर या फिर ब्रॉक लेसनर की ओर? क्या वो रोमन को धोखा दे देंगे? आपको क्या लगता है? अभी के अभी बताएगा। वीडियो आज कितनी सी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बल आज तक लेता ही धन्यवाद, शब खैर।